लोग जानते ही होंगे कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन किया था, जिनमें कन्हैया कुमार, अतिशी और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने CPI, आप और कांग्रेस, इन 3 अलग अलग पार्टियों के लिए इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था, लेकिन फिलहाल ये तीनों ही हार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि स्वरा भास्कर लगातार भाजपा सरकार पर निशाने साधती आई हैं। स्वरा भास्कर ने BJP की आइडियोलॉजीज पर कई बार सवाल उठाया है। इन तीनों कैंडिडेट्स की हार और BJP की जीत के बाद अब सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर बुरे तरीके से ट्रॉल हो रही है। कोई पूछ रहा है कि स्वरा भास्कर कहाँ है, तो कोई कह रहा है कि मुझे स्वरा भास्कर का चेहरा देखना है। किसी ने स्वरा को नसीहत दे दी है कि वो बॉलीवुड पर ही ध्यान रखें, तो किसी ने स्वरा भास्कर से दो टुक कह दिया कि जिन 3 लोगों के लिए आपने प्रचार किया वो तीनों ही हार गए हैं। जरा देखिए सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर को लेकर कैसा मंजर है। याद दिला दें कि जब पिछली बार स्वरा भास्कर को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक्ट्रेस के साथ सेल्फी लेने की बात कहकर एक शख्स ने उनका वीडियो बना लिया था और ये कहा था कि आएगा तो मोदी ही, तब स्वरा भास्कर ने उस शख्स को ऐसी हरकत करने पर ट्रोलिंग पर करारा जवाब दिया था। तो अब देखना ये है कि मोदी की जीत के बाद, भाजपा की जीत के बाद, NDA की जीत के बाद क्या स्वरा भास्कर इन ट्रॉलर्स को भी जवाब देती हैं? इस तरीके की ट्रॉलिंग पर स्वरा कैसे रिएक्ट करेंगी? फिलहाल सवाल यही है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।